नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ सयाली पांडे। आतंकवादियों ने बांदीपुरा के गुलशन चौक में बीते दिन अपने ही लोगों की हिफाजत कर रहे दो पुलिसकर्मियों को मार डाला। मोहम्मद सुल्तान, जो सोपोरा के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर पुलिस में ड्राइवर के पद पर तैनात थे, और जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल फैयाज अहमद, जो कुलवाड़ा के रहने वाले थे, पर देश की हिफाजत करते हुए हमला कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अपने ही लोगों की सुरक्षा करते हुए ये दोनों जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कश्मीर में ऐसे ही हर शाम या सुबह इन्हीं निर्दोषों की बलि से शुरू होती है। कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई बीवियां विधवा हो जाती हैं, तो वहीं कई माओं की कोख भी सूनी हो जाती है। क्या इसे हम जिहाद कहते हैं? शहीद पुलिसकर्मी की नन्ही सी बेटी का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। देखिए इस मासूम को, इस बच्ची की मासूमियत देख आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। उन कायर दहशतगर्दों को एक बार इस नन्ही सी जान की भीगी हुई आंखों को जरूर देखना चाहिए। उन हैवानों ने इस बच्ची के सिर से उसके पिता का साया छीन लिया। हर बेटी के लिए उसके पिता उसके हीरो होते हैं, पर इस बेटी के पिता ने अपने लोगों की हिफाजत करते हुए शहीद होकर असल में हीरो होने का प्रमाण दे दिया है। पर उन्हें अपने देश की हिफाजत की कीमत अपनी नन्ही सी बच्ची की आंखों में आंसू और अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन आतंकियों ने इस बच्ची से उसका सब कुछ छीन लिया। शहीद जाबाज पुलिसकर्मी मोहम्मद सुल्तान की बेटी को अपने पिता से बिछड़ने का कितना गम है, इसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए बेहद मुश्किल है। इस मासूम को तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि क्या है जिहाद, क्या है आतंकवाद। आखिर क्यों उसके पिता को मार दिया गया? उसे तो केवल अपने पिता के दूर चले जाने का गम है। बच्ची का 23 सेकेंड का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया, हम इस परिवार के साथ हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जिन आतंकियों ने इसे अनाथ बनाया है उन्हें बख्शेंगे नहीं। इस वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।